नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। जब शिकायतकर्ता द्वारा जो भी आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असमान देरी होती है तो क्या प्रारंभिक जांच आवश्यक है। जम्मू कश्मीर ने हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट इसी जजमेंट पे आधारित है, जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जहाँ आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असमान देरी हो, उदाहरण के लिए देरी के जो कारणों का संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की जो रिपोर्ट करने में 3 महीने से जो अधिक की देरी या मामले की जो प्रारंभिक जांच का आदेश भी दिया जाए। ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में कोर्ट ने भरोसा जताया। पीठ ने याचिकाकर्ता के जो खिलाफ जो आपराधिक उत्तरदाताओं द्वारा यानी कि आईपीसी की धारा 506, धारा 420, धारा 120B और धारा 156(3) के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत पर परिणामी एफआईआर दर्ज रद्द कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी याचिकाकर्ता ने 2017 में उनसे संपर्क किया और उन्हें 1 साल के भीतर मुनाफे के आश्वासन के साथ अपनी 3 निर्माण जो कंपनी में निवेश करने की एक पेशकश की। शिकायतकर्ता ने 1,75,76,961 रुपए का निवेश किया, लेकिन कोई भी रिटर्न नहीं मिला। जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। यह मानते हुए कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है यदि सूचना संज्ञेय अपराध के आयोग का खुलासा करती है, और ऐसी स्थिति में कोई भी प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण ललिता कुमारी के मामले में कि किस प्रकार किस मामले में जो प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामलों की जो श्रेणी जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है, जैसे कि वैवाहिक वाद, फैमिली मैटर में, या वाणिज्य अपराध, या मेडिकल लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले, ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असमान देरी हो, लापरवाही हो, तो उदाहरण के लिए देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी हो, तो इस मामले में कानून को स्थिति ध्यान रखते हुए पीठ ने कहा कि दायर आवेदन वर्ष 2019 में और दायर किए गए स्पष्टीकरण के बिना आरोपी व्यक्तियों याचिकाकर्ता द्वारा किए कृत्यों अपराधों का आरोप लगाया गया, फिर उनसे उस आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आधिकारिक जो प्रतिवादी उनसे संपर्क करने से रोका है। आवेदन में यह भी माना जाता है कि शिकायतकर्ता ने जो आरोपी व्यक्ति है के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए 31/3/2022 को आधिकारिक प्रतिवादियों के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने कहा कि जो इस मामले मजिस्ट्रेट द्वारा उचित विचार नहीं किया गया, इस प्रकार फिर से देखने और पुनः विचार के लिए मजिस्ट्रेट को वापस भेजने की आवश्यकता है। याचिकाओं को अनुमति दी गई कि शिकायतकर्ता यानी कि द्वारा जो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर जो आवेदन फिर से विचार कर रहे और पुनः विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश के लिए एफआईआर रद्द कर भी जो कि रद्द कर दी गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था। जो केस का टाइटल है वो हरभजन सिंह बनाम सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट श्रीनगर और अन्य के मामले में आया है। तो आशा करते हैं यह जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस जजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।